ओके, लास्ट टाइम शीट नंबर 12 हमने सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल से स्टार्ट किया था और इसके कुछ क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए भी दिए थे। तो सब्जेक्टिव शीट नंबर 12 के अंदर ये सारे क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिए थे। और क्वेश्चन नंबर 11, कितने लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है? कितनों ने ट्राई की असाइनमेंट? ट्राई की, कितने में डाउट है? डाउट है। तो थ्री आइडेंटिकल सेल्स, तो तीन आइडेंटिकल सेल्स हैं, 2V 2V 2V, 2 वोल्ट के हैं, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो आपके सामने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन 5 ओम के साथ कनेक्टेड है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल का 1.5 है, आपको क्या निकालनी है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमने लास्ट टाइम किया था, ये तीन सेल्स हैं आइडेंटिकल हैं, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस एक बैटरी का 2 वोल्ट ही आएगा, तो 2 वोल्ट आएगा और तीनों पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/3 आएगी। तो R/3 इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस E/V-1, तो यहाँ से सॉल्व करके R आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कोई डाउट? इस क्वेश्चन में डाउट जिन्होंने सॉल्व किया हो चेक करो, क्लियर है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट ऑनलाइन वालों को? क्लियर है 13? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट? 14th में, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड। तो आपको कम से कम सेल्स बताने हैं कितने लगेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स बताने हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम एक्सटर्नल गिवन है एंड EMF ऑफ ईच सेल इज 1.5 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज 1। पहली बात तो ये कौन सी ग्रुपिंग है, सीरीज बोला नहीं, पैरेलल बोला नहीं, तो क्या होगा? मिक्स्ड होगी। मिक्स में टोटल नंबर ऑफ सेल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या होते हैं मिक्स में? n into m। तो आपको n और m निकालने हैं। करंट आप क्या चाहेंगे मिक्स ग्रुपिंग में? मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम करंट के लिए मिक्स ग्रुपिंग की क्या कंडीशन होती है कि कैपिटल R किसके इक्वल होता है? इंटरनल के। मैक्सिमम होगा क्योंकि हम ग्रुपिंग ऐसी करते हैं कि करंट मैक्सिमम हो, अदरवाइज तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम के साथ ही होगा, मिनिमम जीरो होगा वो हम चाहेंगे नहीं, मैक्सिमम के साथ सॉल्व कर देंगे। बीच का क्या करंट होगा मुझे पता ही नहीं, तो फिर मैं आंसर निकाल नहीं पाऊंगा। मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम करंट से ही किया जाएगा। तो मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला क्या करवाया था? Ne/2R। तो कैपिटल R इसके इक्वल था, तो इसमें कैपिटल R पता है, स्मॉल R पता है, तो N और M का रेशियो आ गया। करंट की वैल्यू 1.5 गिवन है, यहाँ से कैपिटल R पता है और यहाँ से E पता है, तो यहाँ से N आ गया, N आ गया, N आ गया, तो यहाँ से M आ गया, और N into M क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ सेल्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्लियर है यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगेगा इसमें? तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? यस सर। 15th में डाउट? यस सर। 15th, तो कितनों से हो गया ये क्वेश्चन, कितनों को डाउट है? सो 15th करा दो। 15th में है डाउट। ठीक है, टू आइडेंटिकल सेल्स वेदर जॉइंड इन सीरीज और इन पैरेलल गिव द सेम करंट। सीरीज में चाहे पैरेलल में सेम करंट है, तो जब दो आइडेंटिकल सेल सीरीज में होंगी तो 2E EMF होगी। सीरीज में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी? 2R, और एक्सटर्नल इसमें 1 है। पैरेलल के अंदर EMF क्या होगी? E और E बैटरी पैरेलल में, तो E, और रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? इंटरनल R/2, एक्सटर्नल तो अभी भी 1 है। तो करंट दोनों में एग्जैक्टली सेम है, दोनों को इक्वेट करके आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक बार सीरीज में, एक बार पैरेलल में, और फिर दोनों करंट को क्या कर देना है? इक्वेट कर देना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है, इसमें दो बैटरीज हैं, वो कह रहे हैं अ सेट ऑफ 4 सेल्स ईच ऑफ 2 वोल्ट, दो दो वोल्ट, एंड रेजिस्टेंस 1.5 अक्रॉस लोड ऑफ 10 ओम। लोड का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10 ओम है। 2 सेल्स इन ईच ब्रांच, दो सेल्स दो ब्रांचेज हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स 4 हो गए। तो इसमें ये दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। तो टोटल EMF क्या आएगी? E+E 2E। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगी? R+R 2R, और ऐसी इसके अंदर E+E 2E और रेजिस्टेंस कितनी? 2R, और एक्सटर्नल 10। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। आइडेंटिकल बैटरीज हैं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आइडेंटिकल बैटरीज में 2E और 2E आपको क्या देगी? 2E ही देगी। और क्योंकि ये 2R है, ये 2R है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करके क्या आएगी? R। तो ये दो बैटरी की जगह एक बैटरी आ गई। तो करंट क्या होगा इसमें? करंट विल बी इक्वल टू टोटल EMF 2E
अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये रहा। तो यहां से आपके पास कैपिटल ई की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल आर और स्मॉल आर आपको गिवन है, यहां से सॉल्व करके आंसर आएगा। कैपिटल आर की वैल्यू 10 ओम है ना, एक्सटर्नल लोड का मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लोड मींस रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल लोड मींस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 10। मैं आप ये पूछ रहे हो कि क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में कि कैपिटल आर और 10 ओम एक ही बात है, तो कैपिटल आर मींस एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर बिल्कुल ठीक है, एक ही बात है। इसमें मिक्स ग्रुपिंग क्या चाहोगे, करंट निकालना सीधा, मेरे को नहीं लगता। मिक्स ग्रुपिंग तो तब करते हैं जब करंट मैक्सिमम हो, वो इसमें मिक्स ग्रुपिंग का प्रॉब्लम है ही नहीं, ये तो इक्विवेलेंट बैटरीज की प्रॉब्लम है। तुम्हें क्या पता कि उसने सही कनेक्ट किया कि गलत कनेक्ट किया मिक्स ग्रुपिंग में, तुम्हें क्या पता कि अंदर की क्या करंट निकल रहा है, उसने तो नहीं कहा कि मैक्सिमम करंट निकालो, तो और तुम्हें क्या पता कि अरेंजमेंट मिक्स ग्रुपिंग में जान के किया, बस आपको ये टोटल करंट बताना है। हमने पूरी असाइनमेंट में क्या किया, इक्विवेलेंट ईएमएफ की बात की, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया। मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चन किसी और तरीके के होते हैं, जैसे ऊपर किए एन और एम के साथ, नंबर ऑफ सेल्स निकाल लो, इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं मिक्स ग्रुपिंग की, ठीक। ये तो सीधा इक्विवेलेंट उससे निकल आएगा, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद जो नेक्स्ट शीट थी वो शीट थी सब्जेक्टिव शीट नंबर 13। कितने लोगों ने ट्राई की, ट्राई की, अभी भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने ट्राई नहीं की, अभी भी हाथ खड़ा नहीं, क्या करके आए मुझे समझ में नहीं आ रही। तो आपको करनी चाहिए सब्जेक्टिव शीट नंबर 13, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने ट्राई की, यस सर, ठीक है, यस सर। तो देखो इसके अंदर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एक वायर है और वायर सर्कुलर इन शेप है, तो जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर है, तो पूरी वायर की रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, ठीक है यहाँ तक। आपको इस वायर के अक्रॉस दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए गिवन है, एक पॉइंट बी गिवन है, और जो कि ये एंगल कितना बना रहे हैं, सेंटर पे थीटा एंगल बना रहे हैं, और रेडियस इसका स्मॉल आर है। तो वो कह रहा है कि अगर मैं ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या होगी, हालांकि टोटल रेजिस्टेंस क्वेश्चन में कैपिटल आर गिवन है, वो आपसे पूछ रहा है कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं आपको इसकी रेजिस्टेंस बता दूं नीचे वाले की R1, ऊपर वाले की रेजिस्टेंस बता दूं R2, तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, तो टोटल आंसर जो आएगा वो ये आ जाएगा। तो मुझे सिर्फ क्या बताना है आपको, ऊपर और नीचे की रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, राइट, क्लियर है यहाँ तक। तो एक काम करते हैं, ये एंगल थीटा है, ये जो लेंथ है आर्क, इस क्वेश्चन में टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और रेजिस्टेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द लेंथ ऑफ द वायर, कि अगर मान लो टोटल लेंथ ऑफ द वायर 2πr है तो रेजिस्टेंस उसकी कैपिटल आर है। तो इसकी आर्क की वैल्यू अगर निकालनी हो तो ये सेक्टर है, सेक्टर में एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो एंगल इज आर्क बाय रेडियस, तो आर्क क्या आएगी, एंगल इंटू रेडियस। ऐसे ऊपर वाला जो आर्क है उसने सेंटर पे क्या एंगल बनाया, 2π-θ, तो यहां पे लेंथ क्या आएगी, आर इंटू थीटा, नहीं आर इंटू 2π-θ, तो एक में एंगल थीटा, एक में एंगल 2π-θ, तो ये आपके पास आर थीटा, ये आपके पास आर इंटू 2π-θ, तो लेंथ समझ में आ गई। अब क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो नीचे वाले पोर्शन की जो रेजिस्टेंस होगी वो कैसे आएगी, रेजिस्टेंस कैपिटल आर है कितनी लेंथ की, 2π-r लेंथ की, तो हमने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी रेजिस्टेंस, तो अगर L1 लेंथ है तो L1 की रेजिस्टेंस आ जाएगी, और अगर L2 लेंथ है तो R/2πr को L2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो L2 की रेजिस्टेंस आ जाएगी। तो इस केस में L1 तो हम निकाल चुके हैं R θ, तो ये R1 आ गया, और L2 हम निकाल चुके हैं R into 2π-θ, R2 आ गया, R1 आ गया, R2 आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R1 into R2/R1+R2, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा जो भी आएगा आंसर है। तो लॉजिक समझ में आ रहा है, पहले नीचे की रेजिस्टेंस निकालनी है, ऊपर की रेजिस्टेंस निकालनी है, और रेजिस्टेंस आएगी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके, फिर उसके बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन में आंसर आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें, ऑनलाइन वालों को क्लियर है,
यस सर। क्वेश्चन नंबर टू, कितने लोगों को डाउट है याद रखना फिर भी, एक इलेक्ट्रॉन जब भी घूमता है सर्कल में तो वो कितना करंट में कंट्रीब्यूट करता है, एक ही फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन टाइम। और टाइम क्या लेना होता है, एक चक्कर का टाइम, एक चक्कर के टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। आपको वेलोसिटी गिवन होगी, टाइम पीरियड को लिखना पड़ेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr अपॉन स्पीड। और चार्ज तो पता ही है इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ई। तो यहां से सॉल्व करके टर्म आ गई, ई पता है, वी पता है, आर पता है, यहां से आंसर आएगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर थ्री, कितनों को डाउट है, कितना हो गया ये ठीक? ऑनलाइन वालों को डाउट? यस सर डाउट। डाउट है, दो वायर्स हैं, पहली वायर एल्यूमिनियम की वायर है जिसका डायमीटर गिवन है आपको, वो वायर सीरीज में कनेक्टेड है कॉपर वायर के साथ, कॉपर का डायमीटर गिवन है। तो रूल नंबर वन, जब आपको एल्यूमिनियम का डायमीटर पता है तो आप एल्यूमिनियम की वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल दें, पाई डी स्क्वायर बाय फोर, या पाई आर स्क्वायर में रेडियस को डी बाई टू पुट करेंगे, पाई डी स्क्वायर बाय फोर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एल्यूमिनियम का आ गया। उसी तरीके से कॉपर का भी डायमीटर गिवन है तो कॉपर का भी एरिया कैन बी कैलकुलेटेड, आ गया। क्योंकि दोनों वायर्स किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी, करंट। दोनों वायर्स अगर सीरीज में है तो सीरीज में करंट सेम रहेगा, और करंट हमारे पास है कितना इसमें, 10 एम्पियर। हमने क्या निकालनी है, करंट डेंसिटी। तो पहले केस में करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट अपॉन एल्यूमिनियम का एरिया, करंट इसमें 10 एम्पियर लेना है। दूसरे केस में, कॉपर के केस में करंट अपॉन एरिया से भी हो सकता है, मैंने हालांकि वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट जो बाद में यूज कर रही है, पर अगर करंट डेंसिटी कॉपर की पूछी जाए तो कॉपर का करंट अपॉन कॉपर का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दो तो करंट डेंसिटीज आ जाएंगी। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट निकालनी है कॉपर के अंदर तो करंट इसमें के अंदर भी क्या पुट करेंगे, 10 ही पुट करेंगे, तो आई बाय एन ए से आंसर आ जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कौन सा यूज करेंगे, कॉपर का यूज करेंगे, क्योंकि ये केस किसके लिए सॉल्व हो रहा है, कॉपर के लिए। तो क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, क्वेश्चन नंबर फोर में डाउट, रियोस्टैट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो रियोस्टैट की प्रॉब्लम है ये, कुछ नहीं, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, बस वायर को घुमा रखे है नंबर ऑफ टर्न्स के साथ। ऑनलाइन वालों को डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव में डाउट, कितनों का हो गया, फाइव? यस सर, इसमें डाउट है। गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो, फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ वायर 10 किलोमीटर लॉन्ग, रेजिस्ट लेंथ गिवन है और आपको इसकी रेजिस्टेंस भी गिवन है और डेंसिटी भी गिवन है, क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ कॉपर, मास निकालना है, डेंसिटी भी गिवन है, बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो मास इज एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको लेंथ गिवन है 10 किलोमीटर, आपको रो भी पता है इसमें, आपको क्या नहीं पता, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं पता। तो कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस का, रो एल बाय ए, तो रो एल बाय ए से एरिया एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, आपको इसमें रेजिस्टिविटी पता है, लेंथ पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो क्या आ जाएगा, एरिया। उस एरिया को आप यहां पुट करेंगे, लेंथ पता है, डेंसिटी पता है, तो क्या आ जाएगा, मास। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन, तो शायद कर लिया हमने स्ट्रेच सिक्स, वायर ऑफ, हाँ हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, क्योंकि रेडियस डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ एन, तो रेडियस कितने टाइम्स हो गया, वन बाय एन टाइम्स, जो सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, रेडियस डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ एन है, हाँ ये तो स्ट्रेचिंग की, इसमें शॉर्टकट लगेगा कहाँ, वो तो तब लेते हैं, शॉर्टकट तब होता है जब आप किसी लेंथ को एन टाइम्स करते हो, तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर हो जाती है, याद करो, ये तो रेडियस है, रेडियस कितना हो गया, आर बाय एन। तो मुझे लगता है कि इसको हम ऐसे ही करके देख लेते हैं, कि जैसे सपोज
जैसे सपोज आपके पास एक वायर है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि आपके पास ये एक वायर है, इस वायर का रेडियस कितना है आर, रेजिस्टेंस कितनी है कैपिटल आर, लेंथ कितनी है एल, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाय एरिया, क्लियर हो गया। फिर दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि हमने इसको स्ट्रेच कर दिया ताकि लेंथ पता नहीं कितनी हो गई लेकिन रेडियस कितना हो गया आर बाय एन हो गया, ऐसे हुआ रेडियस आर बाय एन हो गया, तो वॉल्यूम दोनों वायर्स का विल रिमेन सेम और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी रो एल बाय एरिया, एरिया की जगह आर बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक। तो ये टर्म आ गई आपके पास, इसके अंदर अगर मैं आर डैश निकाल दूं इन टर्म्स, एल डैश निकाल दूं इन टर्म्स ऑफ एल, तो दोनों को डिवाइड करके आर डैश आर का रिलेशन आ जाएगा, तो वॉल्यूम सेम कर दो ना, तो वॉल्यूम इस वायर का कितना है पाए आर स्क्वायर एल, इस वायर का कितना है पाए आर बाय एन का होल स्क्वायर इंटू एल डैश, पाए से पाए कैंसल, आर स्क्वायर इंटू एल, आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इंटू एल डैश, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, तो एल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी एन स्क्वायर इंटू एल, तो आप यहां पे पुट कर देंगे यहां पे रो इंटू एन स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय पाए आर बाय एन का होल, ये आपकी क्वेश्चन नंबर टू, ये आपकी क्वेश्चन नंबर वन। अगर आप सेकेंड और फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करेंगे रो एल आर सब कैंसल, आर डैश और आर का रिलेशन आ जाएगा, कितना आंसर आ रहा है एन की पावर फोर, एन की पावर फोर। वैसे तो मुझे वॉल्यूम से भी पता लग ही गया था, उसने क्या कहा आगे करने की जरूरत भी नहीं थी, जब मैंने वॉल्यूम को इक्वेट किया ना तो मैंने देखा जो नई लेंथ है वो एन स्क्वायर टाइम्स पुरानी लेंथ है, तो अगर लेंथ एन टाइम होती है तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर हो जाती है, अगर लेंथ नई एन स्क्वायर टाइम्स है तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर का स्क्वायर एन की पावर फोर टाइम, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, लेंथ की रेशियो लेंथ कितने टाइम स्ट्रेच हुई वहीं से रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड, तो शॉर्टकट यहां पे लग सकते हैं उसके बाद। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन में डाउट, सेवेंथ में एक वायर ली जिसकी रेजिस्टेंस 9 ओम है, ठीक है 9 ओम है ले ली, उसके बाद क्या किया उसको कट कर दिया, देखो उसको स्ट्रेच नहीं किया काट दिया, लेंथ यानी कि 1/3 होगी और रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंडेंट है, तो अगर लेंथ 1/3 होगी तो रेजिस्टेंस भी 1/3 हो गई, तो अगर रेजिस्टेंस 9 ओम है 1/3 1/3 1/3 करने के बाद 3 3 3 ओम हो गई, पहला पार्ट क्लियर है। फिर वो कहता है जो हमने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, जो एक पोर्शन है कोई भी एक पोर्शन ले लो इसको 3 times स्ट्रेच कर दिया, जब हम लेंथ को 3 गुना ज्यादा स्ट्रेच करते हैं तो रेजिस्टेंस एन स्क्वायर हो जाती है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 times हो गई, तो इसको आपने स्ट्रेच किया 3 times तो 3 square into 3, इसको आपने स्ट्रेच किया 3 times तो 3 square into 3 इसको भी किया, तो नई रेजिस्टेंसेज आ गई। फिर वो करें तीनों रेजिस्टेंसेज को किस में लगा देना है इन पैरेलल, तो पैरेलल में लगा के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन आंसर 9 ohm है, ठीक है यहां तक। क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, 8 में लेंथ की रेशियो गिवन है 1L और 2L, डायमीटर की रेशियो गिवन है, आपको क्या निकालना है कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज के अंदर क्या होता है करंट सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है IR1 IR2, I सेम है तो R1 R2 की रेशियो निकाल लो, और रेजिस्टेंस क्या होती है रो एल बाई ए, तो रो इंटू एल बाई एरिया पाई डी स्क्वायर बाई फोर, यहाँ डायमीटर 2D है तो 2D पुट करेंगे, और इस केस में रो इंटू 2L बाई पाई इंटू 3D बाई 4 का स्क्वायर आंसर, ठीक ठीक, कोई डाउट इसमें ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट, क्वेश्चन 11 मैंने थोड़ा ऐसा मैंने सही नहीं किया, 11th क्वेश्चन के अंदर ना 11th क्वेश्चन के अंदर मुझे सीधा नहीं लगाना चाहिए, मैंने सीधा लगा दिया, मेरे को दो केस बनाने चाहिए। उसने क्या कहा एट रूम टेम्परेचर 27 रेजिस्टेंस इज 100, तो यानी कि एट 27 डिग्री सेल्सियस
रेजिस्टेंस जीरो, क्योंकि बेस क्या लेते हैं जीरो, वन प्लस एल्फा इंटू टेम्परेचर कितना है 27, इक्वेशन नंबर वन। और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी 100 ओम। फिर क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर अगर रेजिस्टेंस 117 है, तो दूसरे केस में रेजिस्टेंस गिवन है आर जीरो, वन प्लस एल्फा इंटू टी क्या निकालना है इसमें टेम्परेचर। दो दो क्वेश्चंस क्लियर है, तो अब आप इन दोनों को क्या कर लेंगे डिवाइड, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल, तो यहां से एल्फा आपको गिवन है, तो यहां से सॉल्व करके टी कैन बी कैलकुलेटेड। ऐसा करना चाहिए मुझे, कितने लोगों ने ऐसा किया, आंसर आया ठीक। ऑनलाइन वालों को क्लियर है, दो केस करने चाहिए आपको। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट में डाउट 12th, 13, 14, 15, सीरीज पैरेलल का सिंपल क्वेश्चन है ये, सीरीज पैरेलल का ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, सीरीज पैरेलल है ये भी, आंसर मुझे पता नहीं, मैच नहीं हो रहा, हाँ इसका गलत आंसर है, 5 आ रहा है, ओके 5 कर लेना, 5 आंसर है। नेक्स्ट क्लियर है, ठीक, इसका आंसर मुझे पता नहीं क्या है, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये वाला एक बार करा लूं, कौन सा क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन के अंदर देखो, इसमें साफ गिवन है ये दोनों किस में कनेक्टेड है, इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, जो आंसर आएगा इसके साथ इन पैरेलल, जो आंसर आएगा इसके साथ इन सीरीज, ठीक है रिद्धि? यस सर, मैंने एक्चुअली वो अब सीरीज में कर दिए थे ऊपर में। ये क्लियर है, ठीक है, यस। नेक्स्ट, ये शीट की प्रॉब्लम थी, ऐसी डाउट है पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट शीट की प्रॉब्लम है, सीरीज पैरेलल सिंपल क्वेश्चन है, शीट की प्रॉब्लम है, ये भी शीट की प्रॉब्लम है, याद आ रहा है ना। नेक्स्ट 26th, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की प्रॉब्लम है, 27th, ऑनलाइन, 24th, 24th में ये रहा, ये तीनों पैरेलल में नहीं लग रहे आपको, देखो 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 देखो, ये क्या है V1, ये क्या है V2, ये V1, तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं है तो V1, तो यहाँ पे V1 माइनस V2, अब ठीक है, हर तरफ से V1 माइनस V2 पैरेलल हो गए, ठीक ठीक है, 20 पोटेंशियल ड्रॉप इन इट किस में, ईच रजिस्टर में, हर रजिस्टर में निकालना है, तो ये पैरेलल में लगेगा, इसके बाद सीरीज में लगेगा, तो नहीं तो ऐसे कर लो, 60 एम्पियर आ रहा है वो डिवाइड हो जाएगा इनमें I1 I2 I3, और किस रेशियो में, रेजिस्टेंस की उल्टी रेशियो में, तो जैसे I1 I2 I3 विल बी इक्वल टू 4:6:12, उसके बाद आप 60 एम्पियर को डिवाइड कर लेंगे इस रेशियो में, करंट आ जाएगा, करंट आ गया तो I into R से V आ जाएगा, वैसे तो एक में भी V आ गया तो सभी में V विल रिमेन सेम, पैरेलल है तो V सेम रहेगा, एक में निकाल लो सभी में आ जाएगा, नहीं तो ऐसे भी और आसान है, इन तीनों को पैरेलल में लगा लो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई, उसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो तो V आ गया, तो क्योंकि वो रेजिस्टेंस किससे बनी हुई है पैरेलल में, तो V तीनों में क्या रहेगा सेम, वो ज़्यादा आसान है, ज़्यादा रेशियो लेने की जरूरत ही नहीं है, सीधा गया। 26th, 27th, 28th, कितनों का आ गया आंसर 28th, कितनों का नहीं आया, किया नहीं लगता बाकियों ने, 29th में गैल्वेनोमीटर टुगेदर विद अननोन रेजिस्टेंस इन सीरीज,
इज कनेक्टेड अक्रॉस टू आइडेंटिकल बैटरीज ईच ऑफ 1.5 वोल्ट। ठीक, बैटरीज सीरीज में कनेक्टेड है और करंट कितना आ रहा है 1 एम्पियर। बैटरीज पैरेलल में कनेक्टेड है तो करंट कितना आ रहा है 0.6 एम्पियर। देखो दो केस हैं, पहले दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है सीरीज में, फिर दो बैटरीज किस में कनेक्टेड है पैरेलल में। तो केस नंबर वन, जब बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगी 1.5 प्लस 1.5। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी 2R, एक्सटर्नल कितनी है कैपिटल R, तो करंट कितना गिवन है 1। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो आइडेंटिकल बैटरीज अगर पैरेलल में है तो ईएमएफ क्या रहेगी E, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी R/2, एक्सटर्नल कितनी है कैपिटल R, और करंट क्वेश्चन में गिवन है 0.6। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर कैन बी कैलकुलेटेड। कैपिटल R निकालना है, कैपिटल R आ जाएगा। तो दो इक्वेशंस क्लियर है, एक बार बैटरीज को किसमें सीरीज में और एक बार बैटरीज को किसमें पैरेलल में। क्लियर है तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर। ठीक, ओके सर। बोलो सर, एक बार प्लीज वो 28th क्वेश्चन बता दो। 28th में अगर बैटरी 6.6 वोल्ट की है, सप्लाईज अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1.8 ओम, व्हाट करंट डज इट सप्लाई थ्रू अनदर रेजिस्टेंस ऑफ 2.9 ओम, ये रेजिस्टेंस चेंज कर दी, करंट क्या होगा? बैटरी सेम है तो मान लो बैटरी की इंटरनल कितनी है स्मॉल r, तो केस नंबर वन में करंट क्या बनेगा, करंट 3 इज इक्वल टू 6.6 ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो यहां से करंट पता है, यहां से स्मॉल r आ गया। दूसरे केस में करंट निकालना है 6.6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, तो इंटरनल ऊपर से नीचे पुट करके आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ऐसा लगता है कई बच्चों के बॉडी लैंग्वेज से कि प्रैक्टिस नहीं करके आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करके आए। ये अगर एनसीईआरटी की शीट प्रैक्टिस नहीं होती ना, इससे नीचे नहीं कुछ हो सकता। इससे नीचे तो मुझे लगता है कि नॉन मेडिकल करने का फ़ायदा ही क्या है यार, अगर यही नहीं कर पा रहे 4 साल के बाद कौन सी मशीन बना लोगे तो बता दो। ठीक, तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, क्योंकि अल्टीमेटली करना तो पड़ेगा ही। ठीक, अगली बार टेस्ट है आपका, क्योंकि अब ऐसे नहीं करोगे, टेस्ट से तो करोगे ही, तो आपका अगली बार टेस्ट है। टॉपिक्स मैं बता दूंगा आपको कौन से हैं, प्रिपेयर करके आने हैं। फिर उसके बाद संडे को भी टेस्ट है आपका, वो ऑनलाइन टेस्ट है, मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा क्या टेस्ट है, फेजेस में लूंगा मैं, छोटे छोटे टॉपिक्स डिवाइड करके लूंगा मैं। फिर ट्यूसडे को भी टेस्ट है, टॉपिक बताऊंगा क्या टेस्ट है। 3 बार टेस्ट होगा, तब जाके अगले संडे को फिर इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा टेस्ट दे पाओगे। तो अगले 10 दिनों के अंदर आपके कम से कम 4 टेस्ट तो पक्के इलेक्ट्रिसिटी के पक्के हैं ही हैं। मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा यार, जब तक ये बार बार रिपीटिशन में टेस्ट नहीं होंगे तब तक तैयारी नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेस्ट से अपने इलेक्ट्रिसिटी। बीच में छुट्टियाँ आ गई थी ना, तो वो बीच में ब्रेक हो गया मोमेंटम थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं। आगे बढ़ने की बजाय पहले टेस्ट पे फोकस करते हैं, नहीं तो आगे चलते चलते फिर ऐसा ना हो कि कहीं पिछला खराब हो जाए। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, अगली बार नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी की जो इलेक्ट्रिसिटी है, एक टॉपिक रह जाएगा पोटेंशियोमीटर, वो अगली बार खत्म हो जाएगा। तो मतलब एनसीईआरटी में जो आपका कोर्स आना है इलेक्ट्रिसिटी का, वो सारा खत्म है अगली बार। उसके बाद जो लेक्चर लगने हैं वो कुछ कॉम्पिटिशन के लगने हैं, और तब तक आप इसके टेस्ट भी दोगे, तो एनसीईआरटी लेवल तो एटलीस्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी के लेवल के 3 टेस्ट दो, फिर इतनी देर में 1 हफ्ता और दूंगा, कंपटीशन की तैयारी करवाऊंगा, उसके बाद फिर आप ऑब्जेक्टिव बुक्स भी सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव शीट्स भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, फिर आप ऑब्जेक्टिव, और मैं आपको शीट्स भी दूंगा 2021 और जो लेटेस्ट पेपर्स हैं। फिर 10 दिन के बाद ऑनलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव होगा। तो क्लियर है यहाँ तक? तो ये अब स्ट्रैटेजी चलेगी, आप तैयारी करनी शुरू कर दो। तो जो आपने इलेक्ट्रिसिटी अभी स्टार्टिंग से रिवाइज करना शुरू करो, कौन कौन से टॉपिक्स अगली बार आएंगे मैं व्हाट्सएप पे अभी जाते हुए 8 बजे तक आपको दे दूंगा मैं, ठीक है, ताकि आप, मैं डिले ना करूं, ताकि टाइम से दे दूंगा, आप टाइम से तैयारी कर लेना। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीट
स्टोन ब्रिज? स्नेहा शर्मा, तन्वी, तन्वी जैन, अंकुश, परीना, पवन, अब रख लो अपने पास। ओके, देखो मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज लास्ट टाइम करवाया था, बुकलेट एनसीईआरटी की बुकलेट से करवाया था, पर वो ना थोड़ा जो बुक से टाइप हुआ ना वो ठीक तरीके से थोड़ा उसमें ना एस में गड़बड़ थी, तो मज़ा सा नहीं आया मुझे, तो मैंने इसकी शीट लिखी है, तो मैं शीट से ही करवाऊँगा। मैंने प्रिंटआउट आप लोगों को दे दिए हैं, आप इसको प्लीज़ अपने बुकलेट में स्टेपल कर लेना, कहीं रहना चाहे तो उसमें इंसर्ट कर लेना, और इसमें जो ऑनलाइन वाले हैं उनको मैं सेंड भी कर दूँगा, और प्रिंटआउट जो लोग नेक्स्ट टाइम आएंगे प्रिंटआउट ले लेंगे। बोलो तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, और इसके ऊपर जो इसके एक और टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है स्लाइड वायर ब्रिज, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो लेक्चर है वो व्हीटस्टोन ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज पे ही रहेगा। ये दो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। अगली बार हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर, दो ही टॉपिक आपके पेंडिंग है। ठीक, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का, जिसमें कि आपको कुछ नॉन रेजिस्टेंसेस गिवन होंगी और एक अननोन रेजिस्टेंस गिवन होगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करके आपको बताएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा, इट इज द अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम अननोन रेजिस्टेंस। दूसरा पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें एरर की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होती है, एक्यूरेट वैल्यू देता है ये, इसलिए इसको नल मेथड भी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, इसका जो प्रिंसिपल है वो किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें आपने कुछ रेजिस्टेंसेज लेनी है, पी, क्यू, आर और एस, और बीच में क्या लगाना है, गैल्वेनोमीटर। तो यहां से आई करंट आया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, आई करंट में से इसमें गया आई वन, बचा हुआ करंट आई माइनस आई वन इसमें चला गया, आई वन करंट आया आगे, फिर से फर्दर डिवाइड हो गया दो वायर्स में, तो आई वन करंट आया इसमें से, आई टू नीचे गया तो बचा कितना, आई वन माइनस आई टू इस वायर में चला गया, इधर से आई टू आया, इधर से आई माइनस आई वन आया, दोनों को एड किया, एड करके टोटल करंट यहां पर आ गया। इधर से ये करंट है, इधर से ये करंट है, तो इस वायर में करंट क्या होगा, इन दोनों का सम जब ऐड करोगे तो वापस करंट कितना आया, आए, इसका मतलब कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सही है, क्योंकि आई करंट यहां से गया था, आई करंट वापस आया। तो ये पॉइंट क्लियर है। फिर आपने इसमें क्या करना है, दो लूप्स लेने हैं, पहला लूप नंबर वन, दूसरा लूप नंबर टू। लूप नंबर वन में किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाना है, जो लूप नंबर वन है किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाना है। कैसे, सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली सर, बोलो सर, आपकी वॉइस बहुत लैग हो रही है। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? नो सर, डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से कनेक्ट करें प्लीज। no,
एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऑनलाइन वालों से, बीच में एक टॉपिक के बाद पूछें अपना क्वेश्चन, इसकी ना रिकॉर्डिंग हो रही होती है टॉपिक की, टॉपिक बाय टॉपिक यूट्यूब पे जाता है, अब बीच में अगर कोई ऐसा बोलेगा तो फिर रिकॉर्डिंग के अंदर वो सही नहीं बैठेगा, ठीक। ऑफलाइन का चलता है, ऑफलाइन की रिकॉर्डिंग नहीं आती, जब तुम क्वेश्चन पूछते हो तो जब आप लोग क्वेश्चन पूछते हो ना तो आपकी रिकॉर्डिंग नहीं आती, सिर्फ यहाँ तक की वॉइस जाती है, तो आप सुनते भी होंगे अगर रिकॉर्डिंग, तो मैं टॉपिक वाइज कट करके डालता हूँ उस पर वीडियो पे, तो ये टॉपिक ख़राब हो जाएगा, फिर से वो बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक। तभी तो जब टॉपिक स्टार्ट होता है मैं थोड़ा साइड पे जाता हूँ, पहले ब्रेक लेता हूँ फिर आता हूँ, आपने नोट किया होगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग की कटिंग होती है उसमें से तो इस तरीके से मतलब स्कोरेड के ऊपर जब आएगा ना तो सिर्फ टॉप आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि रिकॉर्डेड है या लाइव क्लास है। देखो अब ठीक है रिधि? यस सर। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ ऑनलाइन वालों से, फिर से रिधि बीच में अभी क्वेश्चन ही पूछना, पूरा टॉपिक के बाद पूछना, ठीक है। टॉपिक वो रिकॉर्डिंग हो रही होती है ना इसलिए, ठीक। फिर से देखो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का, जिसके अंदर एक रेजिस्टेंस अगर अननोन है और बाकी रेजिस्टेंसेस अगर हमें मालूम है तो हम उस अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नल मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें एरर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और ये काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। इसका प्रिंसिपल, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ किरचॉफ लॉ। इसकी कंस्ट्रक्शन में हमने चार रेजिस्टेंसेस ली, पी क्यू आर और एस, और बीच में क्या लिया, एक गैल्वेनोमीटर। मान लो यहाँ से आई करंट आया बैटरी से, आई करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया आई वन एंड आई माइनस आई वन, तो आई वन जो आया उसमें से कुछ करंट आई टू इसमें चला गया और बचा कितना, आई वन माइनस आई टू इसमें चला गया। आई टू करंट यहाँ से आया, आई माइनस आई वन करंट यहाँ से आया, दोनों मिलके आई माइनस आई वन प्लस आई टू, यहाँ से जो करंट है और यहाँ से जो करंट है ऐड करोगे तो वापस करंट आएगा। हमारी करंट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सही है क्योंकि आई करंट गया था, आई करंट ही बीच में वापस आ गया, राइट, क्लियर है। फिर हमने इसमें किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाना है, हमने दो लूप्स लेनी है, लूप वन और लूप टू। जो लूप नंबर वन है इसमें देखो किरचॉफ सेकेंड लॉ कैसे लगेगा, करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो माइनस आई वन इंटू पी, करंट की डायरेक्शन में आते हैं तो माइनस आई टू इंटू जी, फिर करंट के ऑपोजिट आ रहे हैं तो प्लस आर इंटू आई माइनस आई वन इज इक्वल टू क्या, जीरो। इसके अंदर आई माइनस आई वन वाली टर्म इधर, माइनस वाली टर्म राइट पे, तो इक्वेशन नंबर क्या है, वन, राइट। इसके बाद लूप नंबर टू लेनी है, लूप नंबर टू में आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां से शुरू करते हैं, माइनस क्यू इंटू आई वन माइनस आई टू, यहां पर जब आएंगे प्लस एस इंटू दिस करंट, और जब करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो प्लस आई टू इंटू जी। तो आप चेक करें, मैंने किरचॉफ का सेकेंड लॉ फर्स्ट लूप में लगाया तो ये आया, सेकेंड में लगाया तो ये आया, माइनस वाली टर्म राइट पे चले गई तो इक्वेशन नंबर टू आ गई। तो दो लूप्स लगाई, इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू। अब इसके अंदर पी क्यू और आर हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि बी का और डी का पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो बी और डी का अगर पोटेंशियल सेम आ जाए, क्यों, जब हम रेजिस्टेंसेस को चेंज करेंगे पी क्यू आर तो करंट चेंज होंगे पूरे सर्किट में, और हम चाहते हैं कि करंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो कि बी का और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए, और अगर ऐसा हो जाए तो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाती है, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर रीडिंग जीरो। अब कैसे होगा वो हिट एंड ट्रायल है, आपको इसमें पी क्यू आर लगातार चेंज करते रहना, कभी ना कभी तो ऐसा पॉइंट आएगा जब बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो हो जाएगी। ऐसे केस में बोला जाता है कि ब्रिज क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो ये ब्रिज एक बैलेंस स्टेट में चला गया। तो जब ये बैलेंस्ड हो गया तो आई टू की वैल्यू क्या आ गई इसमें, जीरो। तो आप अपनी वो दो इक्वेशंस फिर से लिखें, इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू। इन इक्वेशन में जहां जहां आपको आई टू दिख रहा है वहां वहां क्या पुट कर दिया मैंने, जीरो। तो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन में आई टू वाली टर्म उड़ गई तो ये बच गया इक्वेशन नंबर थ्री, और सेकेंड में मेरे पास ये इक्वेशन बन गई फोर। अगर मैंने डिवाइड कर लूं तो करंट भी कैंसिल हो जाएंगे और मेरे पास क्या आ जाएगा, आर बाई एस इज इक्वल टू पी बाई क्यू। इसमें एस एक अननोन रेजिस्टेंस है और ये वैल्यू आपके पास अननोन रेजिस्टेंस की आ जाएगी। आपके अगर एग्जाम में आया कि आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में लिखना है,
आपने ऐसे ही लिखने, क्या है एक व्हीटस्टोन ब्रिज, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसका मैथमेटिकल पोर्शन बैलेंस करने, और फिर अननोन रेजिस्टेंस है इसके अंदर। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर ये आपको जो है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू इस तरीके से देगा। ठीक, अब बोलो कहाँ पे, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, अब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक खत्म हो गया ना, बोलो बोलो कहाँ पे, लूप टू में क्या करना है, ये या अच्छा इक्वेशन में मैंने मैं ऐसे आया हूँ, हाँ प्लस आई टू जी, हाँ ठीक है, यहाँ प्लस आई टू जी आएगा, यहाँ पर प्लस आई टू जी आएगा, प्लस आई टू जी आएगा। अच्छा फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आई टू अल्टीमेटली क्या हो गया, जीरो, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। वैसे हाँ लॉजिकली फिर करंट के ऑपोजिट आ रहा हूँ तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो क्लियर है ऑनलाइन वालों को, क्लियर है व्हीटस्टोन ब्रिज, रिधि क्लियर है, आवाज आ रही है अब, यस सर, ठीक है, बाकियों को क्लियर है, यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है, ओके नेक्स्ट है व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पी क्यू आर रेजिस्टेंस चेंज कैसे करेंगे, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज तो क्या है, वायर का कॉम्बिनेशन है। अब मैं ये थोड़ा टेबल पे वायर रखूंगा, पी क्यू आर को पहले तोड़ूंगा, फिर नई रेजिस्टेंस लेके आऊंगा, वो जोड़ूंगा, फिर देखूंगा ओ गैल्वेनियम का करंट जीरो नहीं आया, फिर तोड़ूंगा, फिर जोड़ूंगा। ये एक एक क्या है, बेसिकली सिर्फ थ्योरी है कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल करना बड़ा मुश्किल है इसका। तो प्रैक्टिकल करने के लिए लैब के अंदर एक मशीन बनाई गई जो 5 या 10 सेकंड के अंदर इसको बैलेंस कर देती है, बस 5-7 सेकंड में बैलेंस हो जाता है। और उस मशीन का नाम क्या है, मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्लाइड वायर ब्रिज है। ये भी मैंने वैसे एनसीईआरटी की बुकलेट में है ये, तो जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी की बुकलेट भी ओपन कर सकते हैं, उसमें बिल्कुल एज इट इज गिवन है, पर मैंने इसको अलग से लिख दिया क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो मैं चाह रहा था कि इसी में से कर लेंगे ज्यादा बेटर है। तो जो ऑनलाइन है उनको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, और जो नहीं आ पाते और जो जो रेगुलर आते रहते हैं वो प्रिंट आउट ले लेंगे मुझसे। ठीक, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज का दूसरा नाम मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसलिए क्योंकि इसमें जो लेंथ ऑफ वायर हम यूज करते हैं या इसकी जो लंबाई होती है 1 मीटर होती है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, पर इसको स्लाइड वायर ब्रिज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका आंसर दूंगा। तो ये है क्या चीज़, ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, पर लैब में जाएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिखता आपको पूरा, ये स्लाइड वायर ब्रिज 1 मीटर लंबा दिखेगा। ये मीटर लैब में रखा जाता है, तो इसको इसका एक्सपेरिमेंट भी आपको प्लस टू में करवाया जाता है। तो इसमें है क्या, इसके अंदर इस पॉइंट को समझते हैं कि सबसे पहले इसमें 4 रेजिस्टेंसेस हैं। पहली रेजिस्टेंस क्या है, आर, दूसरी क्या है, एक्स, तीसरी क्या है, ये वायर है, पूरी की पूरी वायर है, तीसरी क्या है, मान लो इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस है पी और इतने पोर्शन की रेजिस्टेंस है क्यू, तो कुल मिला के 4 रेजिस्टेंसेस हैं। इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे है इसको समझने के लिए ये समझो कि ये जो पोर्शन है इसके अंदर ही अंदर वायर जा रही है, ये सब वायर से कनेक्टेड है पूरा पोर्शन, ऐसे ये देखो, ये अंदर ही अंदर वायर से कनेक्टेड है पूरा का पूरा अरेंजमेंट, ऐसे कनेक्टेड है। ठीक, तो अगर ये पॉइंट ए है तो लो ये पॉइंट ए है, ए किसके साथ कनेक्टेड है, फर्दर आर के साथ कनेक्टेड है, ये देखो ए आर के साथ कनेक्टेड है, और फर्दर ये कहां पर आ रहा है, डी पॉइंट तक टच कर रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, डी पॉइंट है। तो ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस क्या लगी हुई है, आर, क्या ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, डी फर्दर किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्टेड है, तो डी किसके साथ कनेक्टेड है, सी के साथ कनेक्टेड है, और ये पॉइंट क्या है, एक्स। तो आप चेक करो, डी सी के साथ कनेक्टेड है और ये रेजिस्टेंस क्या लगी हुई है इसमें, एक्स। नेक्स्ट है आगे ए, और एक और चीज, ये जो डी है, डी एंड इस यहां तक ये जंक्शन है, पी का जंक्शन है, क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। तो चेक करो,
ए और बी में कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है? पी। ए और बी में कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है? पी। बी और सी में, बी और सी में कितनी रेजिस्टेंस लगी हुई है? क्यू। क्यू। और डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर। तो आप चेक करो, देखने में चाहे जैसा भी है पर एक्चुअल में जो कनेक्शन बना रखे हैं वो व्हीटस्टोन ब्रिज से ही बने हुए हैं। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो फिर से देखो, ए और डी के बीच में आर, डी और सी के बीच में एक्स, ए और बी के बीच में पी, और बी और सी के बीच में क्यू, और फर्दर डी और बी के बीच में कितना? जी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, बात एक ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज में रेशियोज ऐसे लेते हैं, आर बाय एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू अगर ये ब्रिज बैलेंस हो जाए। मीटर ब्रिज में भी एग्जैक्टली ऐसे ही लेते हैं, आर बाय एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू अगर ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है? काम ही ऐसे करता है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको यहां पर फिट कर देते हैं। ये मेरी नोन रेजिस्टेंस है, हमें कुल मिला के कितनी रेजिस्टेंसेस चाहिए होती हैं? चार। एक अननोन है, तीन नोन है। तो हम क्या करते हैं, ये जो वायर है, ये जो वायर है, ये वायर का ये जो पॉइंटर दिख रहा है ये वाला, ये इस मीटर ब्रिज की वायर के ऊपर स्लाइड कर सकता है। इसको स्लाइडर बोलते हैं या इसको जॉकी बोलते हैं। तो ये जॉकी मूव कर सकती है इसके ऊपर। अब सोचो, जब ये जॉकी मूव करेगी तो जैसे ये यहां से यहां मूव कर गई तो ये लेंथ कितनी है वायर की? एल। तो ये लेंथ एल है, तो फिर बची हुई वायर कितनी होगी? 100 माइनस एल। तो कहने का मतलब कि अगर ये लेंथ 50 सेंटीमीटर है तो बचा हुआ पोर्शन वायर का कितना है? 50 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर ये लेंथ 40 सेंटीमीटर है तो बची हुई लेंथ कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अब आप जब इस जॉकी को मूव करते हो लेफ्ट और राइट तो आप इसकी लेंथ को चेंज कर रहे हो। तो जब आप इसकी लेंथ को छोटा करते हो तो जो रेजिस्टेंस है इस वायर की पी, वो लेंथ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि पी क्या होगा? रो एल बाय ए। तो जब लेंथ छोटी हो जाएगी तो पी की वैल्यू भी छोटी हो जाएगी, लेकिन पी जब छोटा होगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, तो क्यू उतना ही बड़ा हो जाएगा। तो यानी कि जब आप इस जॉकी को मूव कर रहे हैं तो लेंथ चेंज हो रही है पी और क्यू की। लेंथ चेंज होने से रेजिस्टेंसेस चेंज हो रही है पी और क्यू की। तो अब जो हम कह रहे थे ना कि हम कैसे चेंज करेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस पी की क्यू की, कुछ भी नहीं करना, आपने तो जॉकी मूव करनी, ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंसेस क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। आपने जॉकी को मूव करवाना है, आपने जब जॉकी को मूव करवाना है एक ऐसा पॉइंट आएगा जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या जाएगी? जीरो। वहीं छोड़ दें, इसका मतलब ब्रिज क्या हो चुका है? बैलेंस्ड। और जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो यानी कि डी का और बी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? जीरो। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या आ गई? जीरो। और जब ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो मैं रेशियो लगा सकता हूं, बोलो क्या? आर अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज ही है, बस वो प्रैक्टिकल नहीं था, उसमें पी क्यू आर को चेंज करना बहुत इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबली कहूंगा मैं। लेकिन स्लाइड वायर ब्रिज में कुछ भी नहीं करना, जॉकी को मूव करके पी और क्यू चेंज के ब्रिज को एक सेकंड में बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं। तो ब्रिज को हमने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो इसके अंदर हमने क्या किया, जॉकी को मूव किया एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द वायर, ताकि एट विच गैल्वेनोमीटर शोज, यहां पे नो कर लेना, नो डिफ्लेक्शन। हम जॉकी को मूव करते हैं सच दैट एक ऐसे पॉइंट पे रोक लेते हैं जहां गैल्वेनोमीटर क्या शो करता है? कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो ऐसे केस में हम ब्रिज को क्या बोलते हैं? क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। तो मान लो ये वो पोजीशन है जब गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है? जीरो। तो आपने ये स्केल लगा होता है इसके ऊपर एक 100 सेंटीमीटर का, आपने लैब में जाके इस लेंथ को मेजर कर लेना कितने सेंटीमीटर पे ऐसा हुआ। इस एल को बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ, कि जब ब्रिज बैलेंस हुआ इस लेंथ को क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग लेंथ। तो एल इज द बैलेंसिंग लेंथ। तो L लेंथ के कॉरस्पॉन्डिंगली रेजिस्टेंस कितनी है? P। तो बची हुई लेंथ कितनी है? 100 माइनस L, और उस पोर्शन की रेजिस्टेंस कितनी है? Q। तो L पोर्शन की रेजिस्टेंस P है, 100 माइनस L पोर्शन की रेजिस्टेंस Q है, क्योंकि और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और वायर की रेजिस्टिविटी रो है। तो अगर मैं पूछूं कि P की वैल्यू बोलो कितनी है, P की लेंथ कितनी है? L,
तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल बाय ए, तो पी इज इक्वल टू रो एल बाय ए। और सेकेंड केस में क्या होगा, रेजिस्टेंस कितनी है क्यू, लेकिन लेंथ कितनी है 100 माइनस एल, तो रो इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाय ए। तो ये पॉइंट क्लियर है, पी भी आ गया क्यू भी आ गया। अगर आप इन्हें दोनों को डिवाइड कर लें तो आपके पास क्यू और पी डिवाइड करके रेशियो आ जाएगी। तो ये रेशियो आ गई, क्योंकि जब डिवाइड करेंगे रो ए दोनों में क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास ये रेशियो आ गई। पर क्योंकि ब्रिज बैलेंस्ड है, और मैंने क्या सिखाया, जब ब्रिज बैलेंस्ड है तो आर बाय एक्स मस्ट बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये देखो, तो ब्रिज बैलेंस्ड है, आर बाय एक्स इज इक्वल टू पी बाय क्यू, पी बाय क्यू की रेशियो यहां से उल्टा करके निकाल लेना, या ऐसा करो अननोन रेजिस्टेंस निकालनी है, अननोन रेजिस्टेंस कितनी है एक्स, तो एक्स को एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, और क्यू बाय पी की रेशियो हम निकाल चुके हैं, यहां से एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, बस आपको ब्रिज को क्या करना होता है, बैलेंस और बैलेंसिंग लेंथ निकालनी होती है। तो जैसे जब आप इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में, आप x का फॉर्मूला याद ना करें, आप ऐसा करें कि यहां पर जब ये ब्रिज, और वैसे भी मीटर ब्रिज काम कब करेगा, जब ये बैलेंस स्टेट में होगा, ताकि आप रेशियो ले सकें। जब ये क्वेश्चन आएगा तो जैसे r डिवाइडेड बाय x क्या करते हैं, p डिवाइडेड बाय q करते हैं ना, आप एक लाइन में ये भी बोल सकते हैं p लेंथ के प्रोपोर्शनल है और Q भी लेंथ के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है। तो सीधा आंसर लगा देना, R upon X is equal to L divided by 100 minus L। तो जैसे मान लो L की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर और इसकी कितने सेंटीमीटर आ गई 60 सेंटीमीटर, तो रेशियो बोलो क्या बनेगी ब्रिज बैलेंस करने के बाद, R upon X is equal to कितना 40 divided by 60। तो इस रेशियो से आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। तो यहां तक क्लियर है। इसके अंदर दो चीजें और याद रखनी है, इसको मैं करके दिखाता हूं यूज कैसे करना है। पहली चीज, इसका नोट है, मीटर ब्रिज इज मोर सेंसिटिव व्हेन रेजिस्टेंसेस आर ऑफ सेम ऑर्डर। जैसे जब आप यहां पर रेजिस्टेंसेस लगाएंगे, जैसे मान लो आपने यहां पर आर की जगह जो वैल्यू लगाई रेजिस्टेंस की, वो 10 ओम लगाई, वो 10 ओम लगाई, और आपने मान लो आपका एक्स जो निकालना था वो भी बाई चांस 10 ओम ही था, तो कोई मुझे बताएगा बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी इसमें L? 50 50 50। क्यों? क्योंकि R डिवाइडेड बाय X इज L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L। अब R तो 10 है, X भी 10 है, ये रेशियो क्या आ गई 1। तो इसको जब 1 के इक्वल करोगे तो L सॉल्व करो कितना आएगा 50। तो इसका मतलब जब दोनों रेजिस्टेंसेस सेम ऑर्डर की हैं तो चौकी कहां पर मिलेगी आपको, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर मिलेगी। क्लियर है यहां तक? जिस पोर्शन की लेंथ छोटी है, L छोटा है, 100 माइनस L बड़ा है, राइट? मान लो L अब छोटा हो गया और 100 माइनस L बड़ा हो गया, अगर मान लो, तो जब लेंथ छोटी है तो उस पोर्शन की रेजिस्टेंस भी छोटी है। जिसकी लेंथ बड़ी है, जिस पोर्शन की लेंथ बड़ी है, उसकी रेजिस्टेंस बड़ी है। अब प्रॉब्लम समझो क्या है, प्रॉब्लम यह है कि मान लो आपकी जो रेजिस्टेंस है एक, वो 1000 ओम है। इमेजिन करो, बहुत बड़ी ले ली मैंने, इमेजिनरी 1000 ओम है, तो R की वैल्यू 1000 ओम है, और मान लो X की वैल्यू जो निकालनी है मुझे, मान लो सिर्फ 1 ओम है। अब रेशियो देखो कितनी खतरनाक होगी, एक तरफ से 1000 ओम है, एक तरफ से 1 ओम है। तो जॉकी क्या करेगी, जहां 1 ओम है वहां तो बिल्कुल कोने में जाके लग जाएगी, छोटी सी लेंथ, इतनी छोटी कि आप लैब में मेजर भी नहीं कर पाओगे उस लेंथ को, रेजिस्टेंस बहुत छोटी हो गई और एक तरफ से बहुत बड़ी हो गई। तो आप ऐसा अगर करेंगे कि एक रेजिस्टेंस बहुत बड़ी लेंगे, एक छोटी लेंगे, तो आपकी चौकी मिड पॉइंट के आसपास रहेगी नहीं, बिल्कुल कोने में जानी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप उस केस में प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एक बहुत बड़ी और एक छोटी रेजिस्टेंस लेते हैं, जो छोटी रेजिस्टेंस है मान लो सिर्फ 1 ओम की रह गई, आगे फर्दर प्रॉब्लम ये है कि जो वायर होती है ना पोटेंशियल, इसकी स्लाइड वायर ब्रिज की जो वायर है वो कहीं लपेट रखी होती होगी, जैसे गिटार की स्ट्रिंग लपेटती नहीं, एंड में टाइट करते हैं। अब जो लपेटने वाली लेंथ है वो हम निगलेक्ट कर देते हैं, ली नहीं हमने, बस 100 सेंटीमीटर ऐसे ली हमने, वो तो लिया ही नहीं। और जिसके ऊपर बांधा कॉपर की स्ट्रिप होती है वो भी, उसकी भी रेजिस्टेंस ली नहीं, तो हमने कुछ चीजों को निगलेक्ट भी किया है इसमें। अब मान लो आपकी एक तरफ की रेजिस्टेंस सिर्फ 0.5 ओम है, आर की वैल्यू 0.5 ओम है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस तो कॉपर की स्ट्रिप्स की बन जाएगी 0.5 ओम से, जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हो, मतलब आप कैलकुलेट करना चाहते हो 0.5 ओम के साथ, और 0.5 ओम से ज्यादा तो आपने निगलेक्ट भी कर दिया, तो रिजल्ट कहां से सही आएगा? इसका मतलब कि रेजिस्टेंसेस बहुत छोटी या बहुत बड़ी
इसमें काम नहीं करेंगी, क्योंकि आपकी जॉकी या तो बिल्कुल लेफ्ट या राइट चली जाएगी, और आप अगर बहुत छोटी रेजिस्टेंस लेंगे तो कॉपर की और जो कॉर्नर की जो वायर्स हैं उनकी रेजिस्टेंस आप निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो क्या मेंशन कर रहे हैं, इसमें क्या पॉइंट लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि मीटर भी जो सेंसिटिव है बढ़िया काम करेगा व्हेन रेजिस्टेंसेज आर ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब अगर आर की वैल्यू 3 ओम है तो एक्स की वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 3 ओम के आसपास अगर रहेगी, जॉकी मिड पॉइंट के आसपास रहेगी, तो एक बढ़िया रिजल्ट देगी आपको। इट इज यूज फॉर मेजरिंग मॉडरेट रेजिस्टेंसेज, ना टू हाई ना टू लो। वाइल मेजरिंग टू लो रेजिस्टेंस, क्या प्रॉब्लम है, बहुत लो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर स्ट्रिप्स एंड कनेक्टिंग वायर्स बिकम्स कंपेरेबल। अगर भाई बहुत छोटी रेजिस्टेंस ले लेंगे तो कॉपर स्ट्रिप्स की रेजिस्टेंस उससे ज्यादा हो जाएगी, जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी इसमें, तो उसमें अननोन रेजिस्टेंस कैन नॉट बी निगलेक्ट। जो अननोन रेजिस्टेंस मतलब आप निगलेक्ट करो, निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे उसमें। नेक्स्ट है मटीरियल यूज फॉर वायर, जो वायर बनी होती है इस मीटर ब्रिज की वो खास मटीरियल की बनी होती है। पूछा जाता है एनसीईआरटी में किन दो या किन किसी भी मटीरियल का नाम लो जिससे कि वायर बनी हुई है, तो दो मटीरियल्स हैं मैगानिन और दूसरी कॉन्स्टेंटन, बिकॉज दे हैव हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपको याद रखना है, इसकी हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है ताकि रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजरेबल हो। रो काफी बड़ा होता है, रो बड़ा होगा तो आर भी बड़ा होगा, मतलब थोड़ा बड़ा रखा जाता है। तो ये आपको पॉइंट्स इसमें याद करने हैं। यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वालों को डाउट? यस कि नो? अब बोल सकते हैं? नो सर। नो सर। हाँ ठीक है, ठीक है यहां तक। तो अब इसको यूज कैसे करना है इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। यूज करना सबसे आसान है, मतलब आप मानोगे इस टॉपिक को करने के बाद, इसके न्यूमेरिकल करने के बाद हर स्टूडेंट पेपर में जाने से पहले यही प्रार्थना करेगा, काश मेरे सेट में मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल आ जाए, कम से कम और कुछ होना हो, मैं कम से कम 3 नंबर तो लेके बाहर आऊंगा ही आऊंगा बोर्ड में से। इतना आसान है, इससे नीचे न्यूमेरिकल नहीं होगा, इतना आसान है। तो मजा आएगा आपको। करना क्या, रेशियो तो लेनी होती है, पी बाई एक्स इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल करके देखते हैं। क्लियर है? तो इसके लिए शीट नंबर 47 बुकलेट की, हैंड रिटन 47, टाइम क्या हुआ, टाइम करें, देखो। तो हाँ, चलो तो न्यूमेरिकल्स करते हैं मीटर ब्रिज पे। तो मीटर ब्रिज हमने क्या सीखा अभी, मीटर ब्रिज में ये देखा कि आपके पास एक नोन रेजिस्टेंस है आर, एक अननोन रेजिस्टेंस है एक्स। आप मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज को बैलेंस करते हैं, जब आप बैलेंस करते हैं बैलेंसिंग लेंथ आती है एल, और एक तरफ से एल तो एक तरफ से 100 माइनस एल, आप रेशियो लेते हैं आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। इसके बेस पे पहला क्वेश्चन है, इस फिगर में एक मीटर ब्रिज गिवन है और ये ब्रिज बैलेंस्ड है, ब्रिज तो हमेशा बैलेंस्ड ही मिलेगा आपको। मीटर ब्रिज वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम पर सेंटीमीटर, कर लो इसे करेक्शन कर लो इसे, ये 1 ओम पर सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ, ये जो वायर देख रहे हो मीटर ब्रिज की, 1 सेंटीमीटर की लेंथ कितनी है, 1 ओम है, तो टोटल लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 100 ओम हो जाएगी, ठीक है यहां तक। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अननोन रेजिस्टेंस एक्स हमने लगा दिया, एंड आपको क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें एक्स निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ब्रिज बैलेंस्ड है, तो बोलो रेशियो क्या बनेगी, एक्स डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 60। तो एक्स तो आप इजीली निकाल ही लोगे, तो यहां से आप ये रेशियो ले, इस रेशियो में एक्स डिवाइडेड बाय 6 इज 40 बाय 60 से एक्स आ गया। तो एक पार्ट आ गया क्वेश्चन। अगर वो ये पूछ ले अगले पार्ट में कि आप बताओगे टोटल करंट कितना जा रहा है बैटरी में से, इसको चलाने के लिए टोटल करंट कितना निकला,
तो टोटल करंट निकालने के लिए आपको इसकी क्या निकालनी पड़ेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसके लिए एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 ओम। इसका करंट क्या है, 0। तो बीच वाली वायर को लगाओ या ना लगाओ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वीट फ्रॉम बीच तो बैलेंस्ड है। तो ऐसे केस में ये 4 और 6 किस में हो जाएंगे, इन सीरीज। और 100 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 100 ओम। तो 100 और 10 किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगी, 10 और 100 किस में हो जाएंगे, इन पैरेलल। तो ये देखो 10 और 100 पैरेलल में आंसर आएगा 100/11। तो टोटल करंट में टोटल बैटरी कितनी है, 6 वोल्ट की, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, 100/11। सॉल्व करके करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक? तो आइडिया समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है क्वेश्चन को। जैसे अगला क्वेश्चन एक बार देखें, फिर से मीटर ब्रिज है, नल पॉइंट। नल पॉइंट क्या होता है, बैलेंसिंग लेंथ। तो नल पॉइंट जहां पर आया उसको बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये लेफ्ट, और जो लेंथ मेजर करते हैं ना वो हमेशा लेफ्ट से करते हैं, राइट से नहीं करते। तो ये लेंथ कितनी है, 60। तो ये लेंथ कितनी है, 40, 60 40, क्लियर है? ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये एस है। अब वो क्या कह रहा है, 5 ओम, जो 5 ओम है इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एस। तो नल पॉइंट कहां पर आता है, 50। इसमें ना दो केस हैं। पहला केस है कि जब आपने R और S कंसिडर किया तो ये वैल्यू कितनी आई, 40 सेंटीमीटर, तो ये कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। दूसरा केस है जब आपने S के साथ सीरीज में एक और रेजिस्टेंस लगा दी, कितनी, 5 ओम की, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो गई इसमें, S+5। तो बैलेंसिंग लेंथ यहां पर 40 की जगह कितनी हो गई, 50। तो ये भी कितनी है, 50। तो ऐसा करें, हम ना दो केस बनाते हैं। पहले जब मैंने 5 ओम को सीरीज में नहीं लगाया, सिर्फ यही केस है। जब ये केस है तो ये लेंथ कितनी है, 40, ये कितनी है, 60। तो बोलो रेशियो क्या लगाएंगे, R upon S इज इक्वल टू कितना, 40/60। तो पहली रेशियो क्लियर है, अच्छा 60 की बने, ओके उल्टा, तो R upon S इज इक्वल टू 60/40, क्लियर है यहां तक। फिर दूसरा केस, दूसरा केस जब S के साथ हमने सीरीज में 5 ओम लगा दिया, तो अब रेशियो क्या बनेगी, R डिवाइडेड बाय S+5। तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई, 50। तो इज इक्वल टू 50/50। तो स्टेप क्लियर है। तो एक बार 5 ओम नहीं है, एक बार 5 ओम है। जब 5 ओम नहीं है तो 60, जब 5 ओम है तो 50। तो ये आपके पास रेशियो आ गई। इनको डिवाइड कर दें, जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे दो इक्वेशन को, आर सी आर क्या हो जाएगा, कैंसल। सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एस। एस आ गया, ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, तो समझ में आ रहा है रेशियो कैसे लेनी है इसमें, ठीक? जैसे ये क्वेश्चन है, देखें एक बार ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करें। मिलता जुलता क्वेश्चन है, कैसे, इसमें यह गिवन है, इन अ मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, ठीक है, दिख रहा है। तो ये कितना है, 40, ये कितना है, 60। तो इफ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पिछले क्वेश्चन में एस के साथ रेजिस्टेंस किस में लगाई थी, सीरीज में, इसमें क्या लगा दी, पैरेलल में। तो नल पॉइंट कहां पर आ गया, एट 50। तो फिर आंसर निकालो, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो पहले हमने 12 ओम की नहीं लगाई, तो रेशियो क्या होगी, आर डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल टू 40/60, क्लियर है यहां तक। फिर हमने एस के साथ 12 पैरल में लगा दिया, तो रेशियो क्या बनेगी, आर डिवाइडेड बाई 12S/12+S, तो रेशियो क्या है, 50/50। तो दो केस आ गए। फिर से एक बार इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, आर से आर क्या हो जाएगा, कैंसल। कैंसल करके सॉल्व करके ऐसा आ जाएगा, एस को कहीं भी ऊपर पुट कर दें आर आ जाएगा। तो एक बार हमने क्या किया, सेम क्वेश्चन सीरीज में, और दूसरी बार किस में किया, इन पैरेलल में, ठीक है यहां तक। तो
रेशियो लेनी है इसमें, कुछ भी नहीं करना, जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम रेशियो लेते जा रहे हैं और आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखें, तो इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस 2 ओम इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द गैप्स इन अ मीटर ब्रिज। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो कह रहा है 2 ओम की रेजिस्टेंस को किसी गैप में हमने लगा दिया, विच यूजेस अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। तो पता है ये टोटल लेंथ कितनी है, 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर है। एन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 ओम इज कनेक्टेड इन अदर गैप एज शोन इन द फिगर। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर मैंने एक और रेजिस्टेंस लगा दी जिसकी वैल्यू 2 ओम से ज़्यादा लगाती, कोई बात नहीं, इससे मुझे कम से कम ये तो पता लगा कि ये दोनों अनइक्वल रेजिस्टेंसेज हैं, तो बैलेंसिंग लेंथ कम से कम 50 सेंटीमीटर तो नहीं आ सकता, एक बड़ी है और एक छोटी है तो अनइक्वल लेंथ आएगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर आगे तो वो क्या कह रहा है इसमें, जब मैंने एक्स को लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पर आई, एल फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये बैटरी का प्लस टर्मिनल है, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, तो इस प्लस से ये लेंथ कितनी आई, एल आई, तो दूसरी लेंथ क्या आएगी, 100 माइनस एल आएगी। ठीक है यहाँ तक। अब वो क्या कह रहा है कि ऑन इंटरचेंजिंग आर एंड एक्स, मैंने आर की जगह एक्स कर दिया, एक्स की जगह आर कर दिया, मैंने इनको उल्टा कर दिया, उल्टा करने से क्या हुआ, बैलेंसिंग पॉइंट फर्दर शिफ्ट बाय 20 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। मतलब पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी, एल, फर्दर फार अवे चली गई, दूर चली गई, कितने सेंटीमीटर, 20, तो नई लेंथ क्या होगी, एल प्लस 20। ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ पहले केस में आर और एक्स के केस में एल, और जब उल्टा कर दिया आर और एक्स को तो बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, एल प्लस 20। तो दो केस बना लें पहले, तो पहला केस, केस नंबर 1, आर बाय एक्स इज इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल, और दूसरा केस जब उल्टा कर दिया, x आ गया इधर, r चला गया इधर, तो x डिवाइडेड बाय r, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, l प्लस 20, तो दूसरी लेंथ क्या हो जाएगी, 100 में से l प्लस 20 को क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो अगर एक लेंथ l प्लस 20 है तो दूसरी लेंथ क्या होगी, 100 माइनस l प्लस 20। तो सॉल्व करके ये रेशियो आ गई, तो ये आपके पास r बाय x आ गया, ये आपके पास x बाय r आ गया। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर लें तो r बाय x इंटू x बाय r, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 1, सॉल्व करके क्या जाएगा, एल, एल निकाल लेना, ये जो एल आएगा इसको आप कहीं भी पुट कर लें, मान लो यहाँ पे पुट कर लें एल, तो जब यहाँ एल पुट करेंगे तो ये टर्म, या यहाँ पुट कर लें, चलो एल की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, और आर क्वेश्चन में गिवन है कितने, 2 ओम, आर तो पहले ही पता था 2 ओम है, क्वेश्चन में गिवन है आर, जो क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, तो नोन रेजिस्टेंस कितनी है 2 ओम, अननोन रेजिस्टेंस कितनी है एक्स। तो क्या ये स्टेप क्लियर है कि R को पुट करके आपके पास, क्योंकि L तो आ ही गया है, आप यहाँ पर L को पुट करके R को पुट करके क्या निकाल सकते हैं, X, और उसने पहले ही बोला था X इज ग्रेटर देन 2 ओम, तो आना ही था 2 ओम से बड़ा। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, तो जैसे उसने दो केस बोले हमने वैसे ही लिया, R और X, X और R, कोई डाउट इसमें, ठीक। जैसे इन अ गिवन मीटर ब्रिज नल पॉइंट इज एट 60, तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये कितनी है 60, तो ये कितनी है 40, तो x और y गिवन है, तो x और y पोजीशन की बैलेंसिंग लेंथ 60 गिवन है। व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद y, अब दूसरा केस है y के साथ सीरीज में कितने ओम लगा दिया, 15 ओम, बैलेंसिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी शिफ्टेड बाय 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स ए। पहले बैलेंसिंग लेंथ कितनी है ये 60, अब अगर ये ए की तरफ चला गया बाय 10 तो अब नई बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी 50, 60 तो पहली थी, ये 10 अंदर और चला गया, जबकि 10 इधर चलेगी टुवर्ड्स ए, तो बचा कितना 50,
तो पहले केस में बैलेंसिंग लेंथ 60 है, दूसरे केस में बैलेंसिंग लेंथ 50 है। बाकी तो पता ही है आपको क्या करना है। तो पहला केस है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई में बैलेंसिंग लेंथ 60/40, तो एक्स बाई वाई की रेशियो आ गई। दूसरे केस में वाई के साथ सीरीज में लगाना है 5, तो एक्स डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5, और बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी सेकेंड केस में 50। तो ये दो इक्वेशंस आ गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक्स और वाई कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर है यहाँ तक? तो एक्स और वाई आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ नल पॉइंट। तीसरा केस, ये तो दो केस पढ़े मैंने, असली क्वेश्चन है। अब आप नल पॉइंट निकाल लें, बैलेंसिंग लेंथ निकाल लें, कब? जब रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद वाई। अब तीसरा केस है, पहले केस में अकेला एक्स और वाई है, तो बैलेंसिंग लेंथ कितनी थी 60/40। फिर दूसरे केस में हमने इसके साथ सीरीज में लगा दिया, वाई के साथ कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में लगाई, तो बैलेंसिंग पॉइंट आ गया 50/50। इससे हमने एक्स और वाई निकाल लिया। अब वो कहते हैं कि मान लो वाई के साथ अगर मैं पैरेलल में क्या लगाता हूँ 30, तो बोलो नई बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी। तो कोई बात नहीं, अब ये एक्स है, जब वाई के साथ पैरेलल में लगाएंगे तो क्या आएगा, y into 30 upon y plus 30। ये देखो तो क्या आएगा, मेरे पास रेशियो आएगी एक्स, हाँ तो मेरे पास क्या आएगा, वाई के साथ जब 30 पैरेलल में लगेगा तो वाई वाले पोर्शन की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगी, 30 into y by 30 plus y। लेकिन वाई तो हम ऑलरेडी दो पार्ट से निकाल ही चुके हैं 30, तो क्या आएगा 30 into 30 by 30 plus 30, क्या आएगा 15। तो एक तरफ x हो गया और x की वैल्यू भी हमें मालूम है कितनी 45। तो अब क्या हो गया x, और एक तरफ y का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 15, x 15, बैलेंसिंग लेंथ l 100 minus l। अब x तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कितना 45, सॉल्व करके बैलेंसिंग लेंथ निकाल लेना 75 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो कुल मिला के इसमें तीन केस हो गए। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं करना, जैसे बोलता जा रहा है कि एक्स ले लो वाई ले लो, इंटरचेंज कर लो, रेशियो बस करते जाओ, पी बाई क्यू इज आर बाई एक्स, आंसर आता जाएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन है व्हेन टू नॉन रेजिस्टेंसेज आर एंड एस, तो ये आर और एस नॉन रेजिस्टेंसेज हैं, आर कनेक्टेड इन लेफ्ट एंड राइट गैप, लेफ्ट और राइट गैप्स ऑफ मीटर ब्रिज, द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ L1 फ्रॉम जीरो एंड, जीरो एंड ये होता है, तो बैलेंसिंग पॉइंट कितनी है L1 है। तो अगर ये L1 है, ये 100 minus L1 है, तो पहली रेशियो क्या बनेगी, R by S is L1 by 100 minus L1, पहला केस क्लियर है। फिर केस नंबर टू में कह रहा है कि अननोन रेजिस्टेंस X पैरेलल में लगा दी रेजिस्टेंस S के साथ, पैरेलल में लगा दी, तो बैलेंसिंग पॉइंट चेंज हो गया, कितना हो गया L2। तो नई रेशियो बोलो क्या होगी, R डिवाइडेड बाय X into S by X plus S इज इक्वल टू कितना L2 डिवाइडेड बाय 100 माइनस L2। तो कह रहे हैं x निकालो क्या होगा इन दोनों इक्वेशन से, तो आप ये दो इक्वेशन हैं इन्हें डिवाइड कर लें, जब डिवाइड करेंगे तो r से r क्या हो जाएगा कैंसल, आपको सिंप्लीफाई करके x निकालना है इन टर्म्स ऑफ s, L1 एंड L2, दिस इज द आंसर। सिंप्लीफाई कर लेना, जिस मर्जी फॉर्म में निकाल लेना, वो कोई टेंशन नहीं है, पर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि करना कैसे है इसमें। ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। आसान क्वेश्चन है, तो मैं ठीक ही बोल रहा था ना, अपने सेट में आ जाओ तो अच्छी बात है, कईयों तो किस्मत में मेंस के अंदर आ जाता है, नीट मेन में तो काफ़ी बार आ रखा है, NCERT में बहुत आता है। ठीक है, तो कुछ आसान क्वेश्चन भी डालने हैं। ठीक, टाइम क्या हो गया, घड़ी खराब होगी। ठीक है, सब्जेक्टिव शीट नंबर 14, सब्जेक्टिव शीट नंबर 14 में ना आपके पास ये एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आप प्लीज इस क्वेश्चन को एक बार रीड करें, क्या है क्वेश्चन एक बार देखें।
देखो इस क्वेश्चन में फोर रेजिस्टेंसेज हैं, सब्जेक्टिव शीट नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 6, चार रेजिस्टेंसेज हैं, 15, 12, 4 एंड 10 आर कनेक्टेड इन साइक्लिक ऑर्डर। ज़्यादातर लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जाती है तो वह ऐसे बनाते हैं 15, 12, 4, 10, हैबिट हो जाती है ना, 15 ए पी क्यू आर एस, नहीं उसने कहा साइकिल, तो साइकिल कैसे बनेगा, 15, 12, 4 और 10 ऐसे बनेगा। तो ये डायग्राम है, वो कह रहे क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है, रेशियो लो 15/12, 10/4, नहीं ये बैलेंस नहीं है, रेशियो बराबर नहीं आई तो ये बैलेंस नहीं है। तो अगला पार्ट है कि बताओ इस 10 के साथ पैरेलल में मैं कितने ओम की रेजिस्टेंस लगाऊं, मान लो एक्स ओम की रेजिस्टेंस लगाऊं ताकि ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए। तो एक्स लगाने के बाद अगर ये बैलेंस हो जाता है तो रेशियो क्या बनेगी, 15/12 इज 10 × x / 10+x/4, सॉल्व करके एक्स निकाल लेना। तो मेथड क्लियर है यहाँ तक, पहले ये बैलेंस नहीं था, फिर ये बैलेंस मान लिया गया, जब ये बैलेंस नहीं था तो देख ही रहा था, जब बैलेंस उसने बोला बैलेंस कर लो एक्स लगाने के बाद, तो मैंने ऊपर और नीचे की रेशियो क्या ले ली, सेम मेरा आंसर आ गया। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में फोर रेजिस्टेंसेस 5, 6, 50, 60 व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने लगा दिया और बैटरी कितने वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट की है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस में है ही नहीं। फाइंड द करंट इन द आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ऊपर आर्म्स में नीचे आर्म में क्या होगा करंट ये बताओ। अब ये देखना पड़ेगा क्या ये ब्रिज बैलेंस्ड है या नहीं है, करो चेक, 5/6 = 50/60, हाँ ये ब्रिज बैलेंस्ड है, पहले तो रेशो बराबर आ रही है 5/6 5/6, ठीक। अब कई बार ये कॉमन मिस्टेक हो जाती है, क्या कॉमन मिस्टेक है, रेशियो ऐसे ली जाती है 50/5 60/6, नहीं ऐसे नहीं लेनी, जहाँ ये करंट एंटर कर रहे हैं वहाँ से नहीं लेनी, यहाँ से लेनी है ध्यान से। तो पॉइंट्स और नॉर्मली क्वेश्चन गड़बड़ तो कब होता है, जब ये डायग्राम को ऐसे उल्टा घुमा देता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ये वाला पोर्शन ऊपर दिखेगा ऐसे ऐसे 50 और 5, फिर आप याद कि 50/5 करना शुरू कर देंगे, नहीं मतलब ये डायग्राम ऐसा हो जाएगा, जैसे सपोज ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 5, ठीक है 55 गैल्वेनोमीटर ऐसे हो जाएगा देखो, राइट ऐसे। फिर आप कई बार स्टूडेंट ये दोनों ये देखो दिस बाय दिस, ऐसे कैसे दिस बाय दिस हो जाएगा, नहीं करेंगे ऐसे, गैल्वेनोमीटर यहाँ लगा हुआ है तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ये ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर वो डायग्राम को घुमा देता है, ठीक। तो ध्यान प्रैक्टिस हो जाएगा, होमवर्क दूंगा तो भी ठीक हो जाएगा जब प्रैक्टिस करोगे। तो उसके बाद क्या करना है इसमें, अब क्योंकि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग तो है नहीं कुछ क्योंकि ये तो बैलेंस्ड है, तो ये दोनों किसमें इन सीरीज 11, ये दोनों किसमें इन सीरीज 110, ये दोनों इन पैरेलल, पैरेलल के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी आ रही है 10, तो करंट क्या आएगा 1.5/10, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.5/10। अब आपको ऊपर नीचे करंट निकालना है, ऊपर 5 और 6 किस में है सीरीज में 11 और नीचे 110 में। अब यहाँ से करंट कितना आया 1.5/10, अब वो करंट जो आएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऊपर नीचे, जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो होती है पैरेलल में क्या सिखाई थी, I1/I2 = रेजिस्टेंस का उल्टा 110/11, तो यहाँ से क्या आ गई रेशियो। तो आप 10:1 में इस करंट को क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे, तो दोनों ब्रांचेस में करंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो आइडिया क्लियर है कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को भी, कोई डाउट इसमें, मैं होमवर्क दूंगा एज अ शीट तो आप उसमें करके देखना, ऑब्जेक्टिव शीट में से कई क्वेश्चन आएंगे तो इसमें ट्राई करके देखना। मेंस में पर इस हफ्ते मेंस जो हुआ उसमें ये क्वेश्चन डाल दिया, मेंस का क्वेश्चन है ये, तो NCERT का सिंपल प्रॉब्लम है, क्या करना था कुछ भी नहीं, ये क्वेश्चन है कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो बी और एफ की। अब जिसने तो कर नहीं रखा तो वो तो नहीं कर पाएगा, जिसने कर रखा है वो कहेगा इससे आसान कुछ नहीं है, वो कैसे, इसका एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है, ये ना वायर्स पड़ी हुई हैं टेबल पे, टेबल के ऊपर पूरा टॉप डायग्राम है, टॉप व्यू दिखा रहे हैं हमें इसका, ठीक है वायर्स हैं। आप एक काम करें, इसको ऐसे ही रहने दें, इस ए को उठाएं, इसको ऐसे रख दें, ये पूरा ट्राइंगल ऐसे पलट दें, ऐसे क्या फ़र्क पड़ता है, इसको उठा के यहाँ रख दें, तो देखो ये डायग्राम बन गया,
फोर बाहर आ गया, फोर बाहर आ गया, ये देखो इन तीनों को नहीं छेड़ना, ना इसको ना इसको ना इसको, इसको ऐसे घुमा दें, ये डायग्राम बन गया, चेक करो क्या ये पॉइंट क्लियर है। इसको ये टेबल से चिपका दें, छेड़ना नहीं है ऐसे, इसको नहीं टच करना, ठीक है। आपने क्या करना है, ये बी वाली वायर को उठा के यहाँ पे ले आएं, बी इसको हटा दें, या टेबल पे तार पड़ी है, इसको ऐसे ही तो करना है, या ऐसे करना है, बस कर दिया, वायर को ऐसे घुमा दिया, तो ये लो बी आ गया। उसी तरीके से ये ए है, ए को उठाएं यहाँ ले आएं ए को, और ये साथ के साथ हिल जाएगा, ये देखो फोर एंड फोर, ये वो तो डायग्राम बन गया। अब ये जैसे ही डायग्राम बना, ये देखो ये मान लो गैल्वेनोमीटर की वायर है, जैसे फोर बाई फोर इज फोर बाई फोर, तो क्या बन गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बीच वाली वायर उड़ गई, तो फोर और फोर सीरीज में, फोर और फोर सीरीज में आपस में, हाँ बस यही ट्रिक था इसमें, इसको खोल दिया और व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एक्स, ये निकालना है मुझे, ताकि कोई भी करंट, नो करंट फ्लो थ्रू सेक्शन एओ, एओ में से कोई करंट नहीं है, राइट, एओ में से कोई करंट नहीं है। जब एओ में से कोई करंट नहीं है तो इसका मतलब कि ये और ये सेम पोटेंशियल पे हैं, तो देखो इसका मतलब 2/4 इज 3/x, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह काम करेगा। अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रहा, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, इसका मतलब 2/4 इज 3/x, तो यहाँ से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। आपको एक बार एक्स पता लग गया, अब क्योंकि इस वायर में कोई करंट तो है ही नहीं, तो आप इस वायर को हटा लें, तो ये दोनों किसमें इन सीरीज, ये दोनों किसमें इन सीरीज, और आपस में किसमें इन पैरेलल, जो आंसर आएगा 2.4 के साथ इन सीरीज, वहां से करंट कैन बी कैलकुलेटेड। फिर टोटल करंट तो आ ही जाएगा जब टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी, तो ये भी आइडिया क्लियर है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम कैसे आ रही है समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक। तो इसमें भी क्लियर है बिल्कुल कि आपको निकालना है एक्स की वैल्यू क्या होगी जब नो करंट फ्लो थ्रू 5 ओम, 5 ओम में करंट ही नहीं है, इसका मतलब ये भी एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, तो एक्स अपॉन 18 इज 2/6, ठीक है यहाँ तक, ओके। ये होमवर्क है, ये सब आपके होमवर्क हैं। अब आपने क्या करना है, इस शीट का क्वेश्चन नंबर 1, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, अब ये किरचॉफ लॉ के ऊपर बेस्ड है, खत्म हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज, खत्म है और नहीं है, ठीक। और एक और बात, व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर लेंथ नॉर्मली 100 सेंटीमीटर होती है, कभी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें लेंथ 150 सेंटीमीटर, तो ये ना कहें कि सर ये मीटर ब्रिज नहीं रहा, हाँ ये मीटर ब्रिज नहीं रहा, तो इसका पूरा नाम क्या है, स्लाइड वायर ब्रिज, तो उस केस में इसको मीटर ब्रिज नहीं बोलेंगे, इसको स्लाइड वायर ब्रिज बोलेंगे। तो जैसे टोटल लेंथ 150 सेंटीमीटर है और बैलेंसिंग लेंथ 50 है, तो दूसरी लेंथ क्या होगी, 150 में से 50 गया 100, तो ये ना पूछना पेपर में कि सर ये तो 100 सेंटीमीटर होता, देखो ये 50 कर दिया, रेशियो विल रिमेन सेम, नॉर्मली 100 सेंटीमीटर होता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं किरचॉफ लॉ के, किरचॉफ लॉ के अंदर हमने सेकेंड लॉ लूप लॉ किया था, तो इसके कुछ एक दो प्रॉब्लम्स हम एक बार डिस्कस करते हैं, आप इसको एक बार ट्राई करना और एक बार समझो कि इसको किया कैसे। आपको मान लो दो बैटरीज गिवन है, E1 E2 बैटरीज गिवन है, आपको कुछ रेजिस्टेंसेस भी गिवन है, आपको इस क्वेश्चन के अंदर E1 E2 R1 R2 R3 सारी वैल्यूज गिवन है, राइट, सारी वैल्यूज गिवन है, आपको क्या निकालना है, हर ब्रांच में करंट निकालना है क्या होगा। अब ना तो कोई रेजिस्टेंस इसमें सीरीज में नज़र आएगी आपको, ना ये इक्विवेलेंट बैटरी का कॉन्सेप्ट है, तो आपको हर ब्रांच में अगर करंट निकालना है, कोई सीरीज पैरेलल आपको दिख नहीं रहा, तो आप इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं। आप ये कहें कि इस बैटरी ने मान लो I1 करंट बाहर निकाला, इस बैटरी ने पॉजिटिव टर्मिनल ने I2 निकाला, जंक्शन पे I1 एंड I2 आया, तो मिलके यहाँ पर क्या आया, I1 प्लस I2 आया, I1 प्लस I2 में से इसको कितना मिलेगा I1, क्यों, इसने रिलीज कितना किया था I1, तो वापस कितना I1, और इसने कितना दिया था I2, तो वापस कितना I2, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है। तो ये करंट की डिस्ट्रीब्यूशन आपने बना ली, आपको क्या निकालना है, इसमें करंट निकालना है I1 I2, जब I1 I2 आ गया तो ये भी करंट आ जाएगा I1 प्लस I2, तो कोई इलाज नहीं है,
दो वेरिएबल्स हैं आई वन आई टू, किरचॉफ लॉ लगा दो। क्या लॉ? तो फर्स्ट लूप के अंदर करंट के साथ चलते हैं लेफ्ट की तरफ, तो माइनस आई वन आर वन, करंट के साथ चल रहे हैं तो माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री, बैटरी का नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो प्लस ई वन इक्वल टू जीरो। आपको सारी वैल्यूज गिवन है तो ये इक्वेशन तैयार होगी आई वन आई टू में। फिर उसी तरीके से सेकेंड लूप के अंदर यहाँ से स्टार्ट होके वापस आते हैं, माइनस से प्लस पे जा रहे हैं तो प्लस ई टू, फिर करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस आई टू आर टू, फिर करंट के साथ जा रहे हैं तो माइनस आर थ्री इंटू आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू जीरो। फिर से आपको ई टू आर टू आर थ्री पता है, एक नई इक्वेशन आ गई आई वन आई टू में। तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा आई वन एंड आई टू। अगर ऐसे क्वेश्चन में करंट नेगेटिव आता है, आप प्लीज़ इसको गलत ना समझें, नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब आपने जो डायरेक्शन ऑफ करंट ली थी किसी वायर में वो गलत ली है, आपने करंट ऊपर ले लिया लेकिन करंट नीचे आ रहा होगा तो वो साइन नेगेटिव शो करेगा। तो इस केस में ये करंट ऐसे ही लेना है, आई वन आई टू आ गया, फिर बीच वाली वायर में करंट क्या था आई वन प्लस आई टू, तो इन्हें ऐड कर देंगे विद नेगेटिव साइन आंसर। तो इस तरीके से किरचॉफ लॉ की जो प्रॉब्लम है वो बेसिक क्वेश्चन के अंदर आपको लगाना आना चाहिए, कहीं पर अगर हम फंस जाएँ और करंट हमें निकालना हो तो किरचॉफ लॉ से हम ऐसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको तीन बैटरीज गिवन है, बैटरीज के अलावा आपको ये गिवन है थ्री सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये रहा, एंड नेगलिज एंड विद वायर ऑफ नेगलिजिबल रेजिस्टेंस, तो वायर तो चलो रेजिस्टेंस की है। ईएमएफ सेल्स की गिवन है, ई वन ई टू ई थ्री तीनों गिवन है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है, तो इसकी भी इंटरनल, इसकी इंटरनल, इसकी इंटरनल गिवन है। तो फाइंड द करंट इन ईच सेल, हर सेल में करंट निकालना है। अब ये हर स्टूडेंट अपने तरीके से इसको करेगा, कैसे? कोई स्टूडेंट इसको ऐसे करेगा, वो मानेगा कि इसमें से आई वन करंट आया, इसमें से आई टू करंट आया, इसमें से आई थ्री करंट आया। तो अगर इसने आई वन रिलीज किया तो इसको वापस कितना मिलेगा आई वन? आई टू के बदले में आई टू, आई थ्री आई थ्री। तो जंक्शन के ऊपर टोटल करंट कितना आ रहा है आई वन आई टू एंड आई थ्री, तो जंक्शन लॉ क्या कहता है, टोटल करंट का सम क्या होगा, इक्वल टू जीरो, पहली इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन के लिए वो लूप लॉ यूज़ करेगा। इस लूप नंबर वन में मान लो यहाँ से स्टार्ट करता है तो करंट के साथ जा रहा है माइनस आई वन आर वन, माइनस से प्लस पे जा रहा है तो प्लस ई वन, फिर यहाँ से प्लस से माइनस पे जा रहा है तो माइनस ई टू, करंट के ऑपोजिट आ रहा है तो प्लस आर टू आई टू इज इक्वल टू जीरो। उसी तरीके से लूप नंबर टू यूज़ करेगा तो सारी वैल्यूज़ को पुट करेगा तो यहाँ पर आपके पास तीन वेरिएबल्स हैं आई वन आई टू आई थ्री, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आई वन आई टू आई थ्री कैन बी कैलकुलेटेड। अब दूसरा स्टूडेंट कहता है कि नहीं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको ऐसे करते हैं, मान लेते हैं कि इसमें आई करंट आया, इसने कितना करंट दिया आई, आई करंट में से इसमें कितना चला गया आई डैश, तो बचा हुआ इसमें चला गया कितना आई माइनस आई डैश, बिल्कुल सही है। और मैं कहता हूँ ये ज़्यादा बेटर है, उसमें तो फिर तीन वेरिएबल थे आई वन आई टू आई थ्री, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल हैं आई और आई डैश। दो लूप लो, ऊपर वाली नीचे वाली, अपने आप आंसर आ जाएगा। दूसरा मेथड, तीसरा स्टूडेंट दूसरे बैच में भी कर रहा था, मैं उसने एक आइडिया दिया, कहता है ये तीनों बैटरीज किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, आप इसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल दो तीनों की। मैंने कहा कैसे, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू प्लस ई थ्री बाई आर थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई आर वन, वन बाई आर टू, वन बाई, मैंने कहा ठीक है निकल गया, तो टोटल करंट तो आराम से निकल, टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ तो निकल ही जाएगी। उसके बाद क्या, इंडिविजुअल करंट कैसे निकालोगे वो नहीं पता, तो आपको किरचॉफ लॉ इसमें लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको टोटल ईएमएफ निकालनी है वो निकल सकती है, पर अगर आप कहो कि इसमें इंडिविजुअल करंट निकालने हैं वो फिर इसमें लगेगा नहीं, आपको किरचॉफ लॉ लगाना पड़ेगा। वो आप एक बार से होमवर्क लिखेंगे दोनों क्वेश्चन को, आपने दोनों लूप्स लगानी है और दोनों लूप्स में लगा के करंट की वैल्यूज को निकाल के देखना है। अच्छा, ये कह रहा है कि ये आ रहा है करंट, जा कहीं नहीं रहा, ओके भेज देते हैं, एक ऐसी वायर लगाते हैं, उसने कहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई रेजिस्टेंस लेनी नहीं है, लो उसने कौन सा कहा कि कैपिटल आर लो, बिना रेजिस्टेंस की वायर लगा के निकाल दो उसको बाहर। अब ठीक है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री आया और यहाँ से बाहर निकल गया, अच्छा चलो बैटरी लगा दो, पर बैटरी लगा नहीं पाएंगे, नहीं वायर लगाओ,
ऐसी लगाओ, तो ये जरूरत नहीं पड़ती, उस वायर की कोई यूज़ नहीं है। वैसे बेस्ट तरीका तो वही है जो मैंने बताया, आई लो, आई डैश लो, आई माइनस आई डैश लो, सबसे आसान तरीका यही है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये होमवर्क लिखने हैं आपने, ये ट्राई करने हैं क्वेश्चंस, जैसे ट्राई इसलिए ताकि आपकी वो कमांड बैठेगी ना उस पर किरचॉफ लॉ पे, दो तीन क्वेश्चन तो करोगे ही। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भी किताब में गिवन है, इतने बड़े क्वेश्चन करने पेपर के अंदर बहुत मुश्किल होते हैं, जैसे क्यूब वाले क्वेश्चन बहुत बड़े क्वेश्चन हैं, उसका कॉम्पिटिशन के अंदर कई बार आ जाता है, हम सुन लेंगे उसका कैसे करना है, लेकिन बहुत बड़े क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे नहीं आते, कर भी नहीं पाओगे इतने कम टाइम में, पर हाँ बेसिक आता है। किरचॉफ लॉ लगाना मैंने देखा है पेपर में लग जाता है किरचॉफ लॉ, तो इंपॉर्टेंट तो है, लगाना आना चाहिए। तो जैसे टू सेल्स जिसकी ईएमएफ गिवन है 2 वोल्ट और 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है 1 और 2 ओम है, एंड पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड बाय 10 ओम, तो इनका पॉजिटिव पॉजिटिव 10 ओम के साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव नेगेटिव 4 ओम के साथ कनेक्टेड है, 4 ओम के साथ कनेक्टेड है, एक कॉइल 10 ओम की कनेक्टेड बिटवीन मिडल पॉइंट, मिडल पॉइंट का मतलब 10 ओम डिवाइड हो गया 5 और 5 में, मिडल पॉइंट का मतलब 4 ओम डिवाइड हो गया 2 और 2 में। तो आप कहेंगे सर ये डायग्राम भी नहीं देगा हमें, ज़्यादातर 99% क्वेश्चन में डायग्राम गिवन होते हैं, मतलब इतना भी नहीं है कि वो डायग्राम भी खुद ही बनाने को कहेगा और क्वेश्चन भी खुद सॉल्व करने को कहेगा, डायग्राम्स गिवन होते हैं। ठीक, तो मान लो मेरी तरफ से डायग्राम गिवन है, आपको करंट निकालने हैं, तो क्या करोगे, इसमें से I1 करंट आया, इसमें से I2 करंट आया, बीच वाली वायर में I1 प्लस I2 गया, इसने I1 दिया तो इसको I1 दे दो, इसको इसने I2 दिया तो इसको I2 दे दो, हो गया करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या करेंगे, 2 लूप्स लेंगे, पहली लूप फर्स्ट लूप लगाएंगे, किरचॉफ लॉ लगाएंगे यहाँ पे, फिर किरचॉफ लॉ यहाँ लगाएंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, I1 I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। लूप लगाओ, इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, इसको देखते हुए क्या बनेगी कॉपी में, इक्वेशन नंबर 2 बनाओ और आंसर निकालो I1 I2 का क्या होगा। लूप लगाओ, अभी लूप लॉ लगाओ कॉपी में। किरचॉफ लॉ लगाएंगे इसमें, तो इसमें जैसे यहाँ से स्टार्ट किया तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10, कहीं से भी स्टार्ट कर लो, यहाँ पे माइनस I1 इंटू 2, माइनस I1 इंटू 1, माइनस से +2 +2 और माइनस I1 इंटू 5 इक्वल टू 0। ऐसी ये बनाई सबने, फर्स्ट इक्वेशन बना ली, ऐसी सेकेंड बनाओ, सेकेंड में जैसे यहीं से स्टार्ट कर लो, माइनस I1 प्लस I2 इंटू 10, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस I2 इंटू 2, माइनस I2 इंटू 2, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो +1, माइनस I2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो सारी वैल्यूज आपको इसमें गिवन है, वैल्यूज को पुट करना, मेन काम क्या है, 2 लूप्स को बनाना। एक बार 2 लूप सही लग गई, वैल्यूज गिवन होंगी, 2 ही तो वेरिएबल्स होंगे उसके बाद, I1 एंड I2, तो I1 I2 सॉल्व करोगे तो I1 आएगा और I2 आएगा, तो एक आंसर I1, एक आंसर I2, और मिडल वायर में टोटल करंट कितना है I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है ऑनलाइन वालों को? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आपने यस सर ये जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक बार, जो बच गए हैं तो शायद बचे भी नहीं हो, मुझे पता नहीं, खत्म ही ऑलमोस्ट, ये आपने एक बार, हाँ जितने भी ये 2-4 हैं आपने होमवर्क करना है, इस शीट को क्लोज करना है। मैं आपको टॉपिक दे रहा हूँ कि क्या आपने इसमें टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, तो अगर असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ नेक्स्ट टाइम करने के लिए, उसकी जगह आपको टेस्ट की प्रिपरेशन का काम दे रहा हूँ, वो टेस्ट प्रिपेयर करें और अगली बार प्रिपेयर करके आए। ठीक है?